हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक व्यक्ति आपके पास एक प्रश्न लेकर के आया है और आपसे कह रहा है, भैया मुझे बता दो कि इसका हमें इतने दिन में कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखिए, आपको प्रश्न दिखा रहा है, बता रहा है, देखो भैया कि 400 रुपये हमने उधार लिया था और 3 वर्ष 9 माह और 35 दिन बीत गया है, तो बताइए कि हमें उसे कितना रुपया ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको चूँकि आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप उस व्यक्ति को समझा करके आपको बताना पड़ेगा कि आपने कि वह उस आदमी को कुल कितना रुपया ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप उसको कैसे समझाएंगे, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि देखिए 400 रुपया है और समय देख रहे हैं 3 वर्ष 9 माह और 35 दिन है, और इसके साथ साथ दर दिया है, दर इसका दिया है 6%। 6% वार्षिक ब्याज की दर से आपको निकालना है। तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से आपको निकालना है कि कितना रुपया उसको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप 400 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि 400 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज आप सरल ढंग से निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे, इसका हल शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख देंगे कि 400 रुपये, रुपये 400 का 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज आप बड़े सरल ढंग से निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको फार्मूला मालूम है। फार्मूला आपको याद है कि SI माने सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P×R×T और बटे हो जाएगा 100। तो देख रहे हैं P कितना है, 400 है। तो अब 400, इसके बाद समय कितना है, 3 वर्ष और दर दिया है 6, तो 6×3 लिख देंगे और बटे 100 कर देंगे। तो 100 का गुणा कर देंगे, देखिए कितना हो गया, 0 0 से कट गया, 6 चौक 24 हो गया, 24 3 72, 36 18 4 72, कितना रुपया आ गया, 3 वर्ष का ब्याज आ गया 72 रुपया। आपने 72 रुपया ब्याज निकाल लिया। अभी आपको निकालना है 9 माह का। अब आप क्या करेंगे, ये तो पहले स्टेप में आपने निकाल लिया कि 72 रुपये आ गया। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको 9 माह का निकालना है। तो आप लिखेंगे 9 माह 9 माह बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 9/12। 9 में जब 12 का भाग देंगे तो 9/12 वर्ष हो गया, या इसको लिख सकते हैं 3 3 9 3 4 12, ये आ गया 3/4 वर्ष। अब समय आपको मालूम हो गया, अब आप इसको इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे कि SI/P×R×T/100। आप क्या करेंगे, अब आप लिख देंगे कि P वही आपका रहेगा, तो लिख देंगे 400, R वही रहेगा 6 रहेगा, समय हो जाएगा 3/4 और कुल के बटे कितना हो जाएगा 100। ये देख रहे हैं 100 का 0 0 से कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो गया, आगे बढ़ाओ 36 18, तो 9 महीने का कितना आ गया, 18 रुपया। इस तरह से आपने 9 महीने का निकाल लिया। अभी आपको निकालना है 35 दिन का और निकालना है। तो अब उसे क्या करेंगे, उसके लिए भी आप करेंगे, पहले दिन को क्या करेंगे, वर्ष में बदलेंगे। अब एक दिन बराबर कितना होता है आपको मालूम होगा, क्योंकि एक दिन बराबर कितना वर्ष, 1/365 वर्ष। तो इसलिए 9 दिन बराबर 35 दिन बराबर कितना हो जाएगा,
इसलिए हो जाएगा 35 दिन बराबर, ये हो जाएगा 35 बटे 365। तो 365, अब आप इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं, आप इसको सरल ढंग से यहाँ पर लिख लेंगे कितना हो जाएगा। देखिए लिख देंगे कि SI बराबर, सब चीज़ उसी तरह का है, 400 और गुणे 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी 35 बटे, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 100 गुणे 365। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 35 को आप काट सकते हैं, तो काट दें कितना जाएगा, देख रहे हैं 35 को जब काटेंगे तो आ जाएगा 5 × 7 = 35 और यह आ जाएगा 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 73 हो गया। और ऊपर देखिए आ रहा है 7 और 6 × 4 = 24, 24 में 7 का गुणा करें कितना आ जाएगा, 24 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 × 4 = 28, 24 × 7, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 16, इतना बटा आ गया 73। देख रहे हैं कि हो गया 7, फिर से देख लें 6 × 4 = 24, 24 में 7 का गुणा करेंगे 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 16, 73 आ गया। अब 168 में 73 का भाग कर देंगे, तो 173 में आप भाग कर लेंगे तो लिख देंगे 168 भागे 73, तो 73 दूना जाएगा, देख रहे हैं 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, आ गया 8 में से 6 गए 2 और यहाँ पर बचेगा 2 हो गया, दशमलव बढ़ा देंगे 0 आ जाएगा, तिक्के देखिए 3 × 9 = 21, लगभग 2.3 आ गया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2.3। तो इस तरह से सब ब्याज आपको, कुल ब्याज कितना हो गया, अब सबको आप जोड़ लेंगे, कुल ब्याज बराबर, कुल ब्याज बराबर आप जोड़ देंगे, देख रहे हैं कितना है, पहले 72 है, इसके बाद फिर 18 है, और इसके बाद फिर देख रहे हैं कितना है, 2.3 है, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, देखिए कर देंगे तो आ गया ये 3 हो गया, आप 0 लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए 8 × 2 = 10, 10 × 2 = 12 हो गया, 7 × 1 = 8 और 8 × 1 = 9, इस तरह से 92 रुपया 30 पैसा साधारण ब्याज आ गया। उसको बता देंगे भैया आपको 92 रुपये 30 पैसे उसको ब्याज देना पड़ेगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू वेरी मच।